हाँ जी हाँ, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द जो हैं वर्ल्ड चैंपियंस हैं। बहुत सारे मूव्स होते हैं, साइड मूव भी है, उसके बाद फ्रंट मूव भी है। अब जिस तरह का मुखालिफ मार खाना चाह रहा है उस तरह किक मार देते हैं। ये हमारी किक लड़के का एक दफ़ा क्लास में हुआ था, तो मैंने बस उसको शाउट ही दिया था, वो डर गई थी लड़की। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली न्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा साजिद। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं आजकल के जो हालात हैं उसमें आपको अपना सेल्फ डिफेंस खुद ही करना पड़ता है, कोई दूसरा तो आपकी मदद करता नहीं। तो क्या आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज हम मौजूद हैं PMAC पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स क्लब में, जहाँ पे हम आपको मार्शल आर्ट्स की थोड़ी सी टेक्निक्स से आगाह कराएंगे, आप तक टेक्निक्स पहुँचाएंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारी वीडियो के साथ, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तो कराटे सीखने आई हूँ, उसके लिए मुझे यूनिफॉर्म किट तो पहननी पड़ेगी। तो मैं किट पहन के आती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं और आपको टेक्निक्स आप तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर रिजवान अली, 10th ग्रेड रेड बेल्ट होल्डर हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल्स। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। सर आप मुझे ये बताएं कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मोर देन 43 इयर्स हो गए हैं मार्शल आर्ट्स सीखते और सिखाते हुए। आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट की, आपने खुद कहाँ से सीखा है? जी एक्चुअली ये फर्स्ट मेरे फैमिली गेम है, मेरे वालदैन जो से मार्शल आर्ट्स के प्लेयर थे और मेरे वाल साहब ब्लैक बेल्ट थे। तो 1978 से इस्लामाबाद से शुरू की थी, उसके बाद हमारी फैमिली को मस्कत में जाने का इतफाक हुआ और वहाँ मैंने शॉलिन मंक से ट्रेनिंग की है और ब्लैक बेल्ट मैंने 12 साल की उम्र में ली थी। तो माशाल्लाह 12 साल की उम्र काफ़ी छोटी उम्र है, तो मतलब आपके पास कोई मेडल्स वगैरह भी हैं? हाँ जी हाँ, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द जो हैं वर्ल्ड चैंपियंस हैं। आप नहीं हैं वर्ल्ड चैंपियन? ऑफ कोर्स, मैंने भी 1988 में लाइट फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की हुई है। जी माशाल्लाह सर। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आपने अपना अपना क्लब ओपन करना है? जब मैं दुनिया के सफ़र पर रहा हूँ, बेशुमार कंट्रीज़ में गया हूँ, तो देखा कि लोग दूसरे मुल्कों के झंडे जो हैं वो अपने छाती पर लगा कर फिर रहे हैं, जैपनीज कराटे, चाइनीज़, कोरियन और बहुत सारे मास्टर दुनिया भर में। तो मेरे दिल में ये ख्याल है कि आई शुड डू समथिंग फॉर माई कंट्री, तो मैंने पाकिस्तान के नाम पर, अपने मुल्क के नाम पर PMAC फ्री स्टाइल कराटे रेस्लिंग का 1991 में आगाज़ किया ताकि मैं अपने मुल्क को प्रमोट कर सकूँ। तो आई हैव डन द बेस्ट, कोशिश की है और फिर मैंने इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उसमें इसको जज्बे को बहा रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो आपने बताया कि आपको 43 इयर्स हो गए इस फील्ड में आए हुए, तो इस क्लब को ओपन किए हुए कितने टाइम हो गए? यहाँ पर 94 से है, लेकिन उससे पहले भी मैं पार्क्स में और मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर ट्रेनिंग कराता रहा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर, लेकिन ज़ाती क्लब जो है 94 से बनाया हुआ। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं? लाहौर से और लाहौर के बाहर से भी ट्रेनिंग करने आ रहे हैं। वी हैव ऑलमोस्ट यहाँ अब तक मेरे पास 1.25 लाख के करीब ट्रेनिंग ले चुके हैं बच्चे, जिसमें 20,000 के करीब ब्लैक बेल्ट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर फीमेल्स और मेल्स दोनों एक्सरसाइज करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मेल्स का तो चलें कह सकते हैं कि हॉबी है या पैशन कह सकते हैं, लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें गर्ल्स को अपना डिफेंस खुद करना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मेल फीमेल दोनों का पार्ट ऑफ लाइफ है, मार्शल आर्ट सीखना जो है वो ज़रूरी है। ये फ़न ऐसा है कि किसी भी मोड़ पर कभी भी आपके काम आ सकता है और ख़ासकर सेल्फ डिफेंस करने के लिए, जो आए दिन आपको खबरें सुनने मिल जाती हैं कि इस तरह के वाकयात हो जाते हैं खासकर लेडीज़ के लिए, तो जो सेल्फ डिफेंस जानते होंगे कम से कम अपने अपनी प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेल्फ डिफेंस में वो अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे। आप इतनी छोटी थी और आप ब्लैक बेल्ट पे? जी बस अल्लाह का शुक्र है, छोटे होते से सीख रहे हैं तो अभी तक ब्लैक बेल्ट हो गए। तो आपने भी कोई रिकॉर्ड बनाया? कोई नहीं जी, मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, थंब ब्रेकिंग की मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके बाद मैं किक्स बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो जो किक्स आप कह रही हैं आप कर सकते हैं, थोड़े से मूव्स के नेम्स होते हैं तो वो हमें बताएंगे आप? जी मैं अभी आपको करके दिखा दूँगी, ये थोड़ा सा टाइम दें आप मुझे, मैं वो तो हम आपको देंगे लेकिन व्यूवर्स को बता देंगे कौन कौन से मूव्स होते हैं। बहुत सारे मूव्स होते हैं, साइड मूव भी है, उसके बाद फ्रंट मूव भी है। अब जिस तरह का मुखालिफ मार खाना चाह रहा है उस तरह किक मार देते हैं। कोई ऐसा जो थोड़ा इजी हो ना, जो हर लड़की सीख ले जल्दी और सेल्फ डिफेंस के लिए काम आए। क्या आप मुझसे ये चाह रही हैं कि मैं आपको करके दिखाऊं? करके दिखा दूँ? ये देख, ये हमारी किक लड़के लड़का जमीन पे। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ कि आप बाहर जा रही हैं और किसी ने आपको तंग किया और आपने मार्शल आर्ट्स के जरिए उसको गिराया हो?
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रो भी ऐसा है कि लड़के देख के भाग जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आओ ये लड़ो सब। चेहरे से तो आप मासूम सी लगती हैं, आपका रो तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जी बस पेरेंट्स की तरबियत ऐसी है कि दिफा के लिए इस्तेमाल करो, ऐमी किसी पे जाके अटैक करना और उससे फिर पंगे लेना ये तो गलत चीज़ है। हमें यही सिखाया जाता है कि हम अपने डिफेंस के लिए हर काम डिफेंस के लिए करें, खुद अटैक करना ये तो गलत बात है। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है सर की दूसरी साहबजादी, वो भी ब्लैक बेल्ट पे हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि वो कब से इस फील्ड में, कहाँ से उनको शौक आया, उन्होंने भी अपने फादर को देख के ये शौक उनमें आया या वो किसी और से इंस्पायर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ब्लैक बेल्ट पे हैं, मतलब आप सारे ही ब्लैक बेल्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली ब्लैक बेल्ट है, मेरी मदर, मेरे फादर और यानी सब ब्लैक बेल्ट हैं। तो आपका मेंटोर कौन है इस फील्ड में? सॉरी इंस्पिरेशन कौन है आपके, आपके फादर या कोई और? नहीं मेरे फादर ही हैं, इन्होंने शुरू से हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया और हमें जो है हर चीज़ में सिखाया है आगे बढ़ने की, बहुत सपोर्ट किया है, आम लड़कियों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, क्या कितने मूव्स आते हैं आपको, सारा कुछ आता है आपको? वैसे ही ब्लैक बेल्ट पहन के बैठी हुई है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ किया हुआ है, ट्रेनिंग ऑल टू यानी सब की हुई है हमने, और किक्स वगैरह काताज और ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ हमने यानी सीखा है, तभी हम इस मोहल्ले में आते हैं, वरना ये कोई आम बेल्ट नहीं है, आप ये कहीं से जाके ख़रीद नहीं सकते। जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं आती होगी आप कहीं से ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको स्पेशल टीचर आपके जो है ना आपको पहनाते हैं और आपको ये मिलती है, तभी आप अचीव करते हैं इसको। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ, आप बाहर गई हैं, किसी ने आपको तंग किया और आपने उस पर ही मार्शल आर्ट्स अप्लाई किए हों? अब कभी ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन मैं मोस्टली लोगों को इग्नोर करती हूँ और मैं वैसे दिखने में ही सबको डरा देती हूँ कि वो मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं या मुझे तंग करने की। एक दफ़ा क्लास में हुआ था तो मैंने बस उसको शाउट ही दिया था, वो डर गई थी लड़की, और लड़की थी, लड़कों ने कभी नहीं आपको तंग किया? लड़कों की इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती, देखने में तो आप बिल्कुल छोटी सी लगती हैं, फिर क्यों हिम्मत नहीं होती? बस ये उनको ही, आपने उनको पहले से बता दिया भाई मैं ब्लैक बेल्ट हूँ? नहीं मोस्टली ऐसे कि हम पॉपुलर बहुत, यानी हमें हर कोई आम जानता है इस एरिया में, हमें सब जानते हैं, तो मैंने कहीं से गुजरना है उधर गई, ओ ये तो मार्शल आर्ट सीखी है इसको पंगा ना लेना ये वो, ऐसी बातें यानी आम लड़के कर लेते होते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे छेड़े आके। जी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं, हम इनसे जानते हैं कि उनका इस क्लब के बारे में क्या रिव्यू है, तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब से यहाँ पे हैं, कब से आपने क्लब ज्वाइन किया? 2 माह हो गया यहाँ क्लब ज्वाइन किए हुए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं सर डॉक्टर रिजवान अली हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, और उनकी वजह से यहाँ बहुत कुछ मैंने इस पूरे पार्ट में सीखा है। तो आप अभी कौन से बेल्ट पे हैं? अभी मैं वाइट बेल्ट पे हूँ और मैं टेस्ट देके अब आगे येलो बेल्ट पर जाने वाली हूँ। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी पब्लिक मैसेज अगर कोई देना चाहें? मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो गर्ल्स हैं हमारे आजकल जैसा मास्टर है, उनको चाहिए कि वो आगे मार्शल आर्ट्स के अंदर आएँ और अपने डिफेंस के लिए सीखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? आपका महनूर रिजवान। आप कब से इस क्लब में हैं? मुझे 1.5 साल हो गया। आप इतनी छोटी सी और आपने ब्लैक बेल्ट पहना हुआ, ये अपना ही है मेहनत करके हासिल किया है किसी टीचर का ले लिया आपने? ये मेहनत करके हासिल की है, चैंपियनशिप लड़ी हैं तो प्रमोटेड हुई हूँ बस। ये मेडल्स वगैरह मिले हैं आपको? जी बहुत से। कितने? बहुत ज़्यादा। कितने? बहुत ज़्यादा। अनलिमिटेड जी। सच्ची बोल रही हैं, सही कह रही हैं, कैमरा के सामने झूठ बोल दी? नहीं मेहनत से ली है। तो आप गली मोहल्लों में बच्चों को डराती हैं कि भाई मुझसे दूर रहो मैं ब्लैक बेल्ट पे हूँ? हमें सर ने सिखाया ही नहीं है कि कभी किसी पे बिला फजूल हाथ वगैरह उठाना, हमारा रूल है कि इसी से सिर्फ दिफाई तौर पे इस्तेमाल करें। कभी दिफा किया अपना, इस कोई ऐसी नौबत आई है? नहीं कभी भी नहीं आई। नहीं जी नाज़रीन अब आप मुझे देखेंगे कि मैं कराटे सीखने जा रही हूँ।
नाज़रीन, तो आज हम मौजूद है पीएमएसी पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स क्लब में। मुझे यकीन है कि जितना मैंने सीखा है मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी सीखा होगा। जैसा आप जानते हैं कि आजकल के दौर में ज़रूरी तो है ही मार्शल आर्ट्स, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहे डेली न्यूज़। तब तक के लिए अपनी मेज़बान पाकिज़ा साजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।